अच्छा आपकी एक टिप बता रही हूँ, आपकी टिप बता रही हूँ। आपने बताया था कि जब हम इसका फ्राई करते हैं चिकन को तो उसको लो फ्लेम पे नहीं कुक करते। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा स्टीम देके तो इसको हल्का सा मैशर से मैश किया, इसको ग्राइंड नहीं करना। और आपने छिलका उतार दिया? जी छिलके नहीं, कुछ कुछ छिलके हैं अंदर। अच्छा। और कुछ कुछ जो है वो तो आपने इसको स्टीम किया? जी स्टीम करने के बाद मैंने इसको स्लाइस में करके स्टीम किया था, जैसे चॉप्ड होते हैं। ओके। फिर स्टीम करके तो मैंने इसको मैशर से थोड़ा थोड़ा मैश कर। अच्छा। और उसके बाद इसमें दही जाएगा, जब हम टोमेटोज डालेंगे तब भी हम दही डाल देंगे। दही कितनी है? दही तकरीबन एक कप। और जितने चिकन है उतनी ही टमाटर? जी उतने ही टमाटर। आप 1.5 से 2 किलो टमाटर भी कर सकते हैं। अच्छा। टमाटर का कोई नहीं है, टमाटर का मसला नहीं है। अच्छा आप इसको इतना हमने करना है कि इसको ऊपर जो ब्राउनिश सा कलर आने लग जाए ना उस तरीके से इसे आ जाए। ठीक है। मतलब चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइटिश पे आ जाए, ब्राउनिश पे आ जाए। अच्छा आपकी एक टिप बता रही हूँ, आपकी टिप बता रही हूँ। आपने बताया था कि जब हम इसका फ्राई करते हैं चिकन को तो उसको लो मैशर से हल्के हल्के मोटे मोटे मैश किए हुए वो चले गए। और अगर दही नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दही भी डाल सकते, लेकिन दही से ये कि ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाती है। खुला ही पकाएंगे या कवर करेंगे? कवर भी कर सकते हैं, लेकिन खुला इसलिए पका रहे हैं क्योंकि मैश तो है सब कुछ हमारा को ऑलमोस्ट। तो बस और मेरा ख्याल से आप कवर करेंगी तो और पानी छोड़ेगी। अच्छा आपा अभी इसका इसमें पानी रिलीज़ करना है थोड़ा सा अपना चिकन में भी दही में भी टोमेटोज भी थोड़े से प्यूरी वाले हैं।